भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। इस जीत पर भाजपा देश भर में जश्न मना रही है। महानगर के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में भी भाजपाइयों का जश्न देखने को मिला। यहां भी पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते नजर आए। इस दौरान पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भारी जीत की बधाइयां दी। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री शिव कुमार पाठक ने कहा कि ये जीत पार्टी की नहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जनता की जीत है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेताओं ने वहां की जनता को काफी बरगलाने का प्रयास किया था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हुए। वहीं गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के मीडिया प्रभारी सत्येंद्र सिन्हा ने कहा कि गुजरात और हिमाचल की जनता ने विकास मॉडल पर मुहर लगाकर विरोधियों को चुप करा दिया है। पार्टी के जीत की खुशी मनाते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुई भारी जीत ने वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम को सिद्ध कर दिया है। Thank you.
परिणाम आए, इन परिणामों से ये साबित हो गया है कि मोदी जी का जो विकास का कदम है उसको लोगों ने स्वीकार किया है। मोदी जी के विकास और कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ये परिणाम है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। ये बहुत खुशी की बात है। 2014 में जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया था कि इस देश का विकास और भला तभी हो सकता है जब भारत से कांग्रेस मुक्त भारत कल्पना को लेकर के जो उन्होंने ये अपनी यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की ये अगले कदम है। देखा जाए तो पिछले बार जो चुनाव हुआ था उसमें 10 से ज्यादा सीट कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। जीत जीत होती है, 10 और 15 का मतलब नहीं है। 22 साल से जहाँ सरकार थी वहाँ एक बार फिर से उस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय मोदी जी पर विश्वास किया है और गुजरात की जनता और हिमाचल की जनता को, वहाँ के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनकी। पिछले बार से कम सीट हुआ, क्या बीजेपी कोई चूक मान लेगी या मंथन करेगी इस पर? अब ये तो आगे का विषय है, जब परिणाम उसका विश्लेषण किया जाएगा। आज तो खुशी मनाने की बात है, मिठाई खाने की बात है, आप तो विवाही मिठाई खिलाएंगे। पाठक जी, पहले जनता ने, गुजरात की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में विकास का जो सोच है भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का केवल विकास और विकास, उसने मुहर लगाया है और विरोधियों को चुप करा दिया। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 22 वर्षों से गुजरात में हमारी सरकार थी और वहाँ पे हमने गुजरात मॉडल के आधार पर वहाँ पे विकास किया था, उस मॉडल को हमने पूरे देश में भी लगाया था और आज वो वहाँ पे इस बार 6ठी बार सरकार हमारी बनने जा रही है। ये इस बात की द्योतक है कि हमारी नीतियों में जनता ने मुहर लगाया हुआ है। ये जीत पूरी तरीके से हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके कुशल नेतृत्व और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित भाई शाह जी, उनका कुशल संगठनात्मक जो क्षमता है उसकी जीत है। हम लोग इस जीत पे पूरे देशवासियों को, गुजरातवासियों को शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं। हम लोग स्वयं भी प्रसन्न हैं, आने वाले दिनों में जो भी और जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें नहीं हैं वो भी कांग्रेस मुक्त होंगी, ऐसा हम लोगों का विश्वास है। देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा और गांव गरीब मजदूरों से जो चिंता मोदी सरकार कर रही है वो अनवरत जारी रहेगा और चलता रहेगा। ऐसा नहीं है जीते का और आंदा बदल होता रहता है और उससे ऐसा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन मोदी जी का कहीं भी किसी प्रकार का आप ये समझिए कि उनके रूप में कहीं कोई कमी नहीं रही और जनता ने उसे स्वीकार किया और 2019 में भी हम निश्चित तौर पर भारत सरकार फिर वापस आकर के और सरकार बनाई।